निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में भूपेश सरकार की घोषणाओं को भी शामिल किया गया। इसके अलावा नागरिक सुविधाओं को घर तक पहुंचाने का वादा भी किया गया। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत के हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। आप होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत हमारे नगरीय निकाय में जो लोग निवास करते हैं, उन लोगों को जो हमारी सरकार की लगभग 100 ऐसी सेवाएं जो हम उनको प्रदान करते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो हमारा एक नंबर होगा, उसमें वो सूचना देगा और हमारा आदमी जाके उनको जितने कागजात लगते हैं उतने लेकर उनको वापस घर में बना कर देंगे। आपको लगता है कि भाजपा के बाद चूंकि कांग्रेस में घोषणा पत्र जारी हो रहा है, लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी? देखिए, हम इसको कल भी जारी करते थे, हमारे घोषणा पत्र पहले से तैयार था, क्योंकि आज हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा था, इसलिए इस अवसर को चुना गया है। बिलासपुर में जो सीवरेज की समस्या है, रायपुर में मच्छर और नालियों की समस्या है, जिससे रोज व्यक्ति को दो चार होना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तब वो सीवरेज योजना का प्रारंभ उन लोगों ने किया था। 2006 में योजना बनी, उसका 2008 में उसको प्रशासकीय स्वीकृति दी गई, लेकिन 2019 तक वो सरकार सीवरेज परियोजना को बना नहीं सकी। अब ये पूरे शहर को इतना गड्ढा कर दिए हैं, जिस तरह से कचरा घुरवा बोलते हैं उस तरह से व्यवस्था को कर दिए गए थे। अब उस व्यवस्था को ठीक करने में हमको समय जरूर लगेगा, लेकिन योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिनेश शिवडरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री, जो बता रहे थे कि दरअसल इस घोषणा पत्र में क्या कुछ है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि तालाबों के संरक्षण की बात भी इसमें कही गई है, जो बाड़ियां हैं उसके डेवलपमेंट की बात की गई है। बड़ा सवाल यह भी है कि शहर में रहने की जगह कम पड़ जाती है, ऐसी स्थिति में बाड़ियों का विकास कहाँ किया जाएगा? कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश कुमार। इंदौर में पति ने